और चंबल और की सहायक नदियों से इसका ढाल समझ आता था है दक्षिण से उत्तर की ओर ढाल दिखाई देता है और एक ढाल और बनता है जो बनता है पश्चिम से पूर्व की ओर सॉरी एक ढाल और बनता है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बनता है पहला ढाल बनता है दक्षिण से उत्तर की ओर दूसरा ढाल बनता है पूर्व से पश्चिम की ओर पूर्व से पश्चिम की ओर ढाल बनता है ये कहाँ से समझ में आता है ये हमें आता है नर्मदा से समझ में नर्मदा की घाटी से नर्मदा की घाटी से हमें इसका ढाल समझ आता है तो दो प्रकार के ढाल दिखाई देते हैं एक पश्चिम से पूर, एक, एक पूर्व से पश्चिम की ओर नर्मदा की घाटी से समझ में आता है या नर्मदा से समझ में आता है दूसरा आता है दक्षिण से उत्तर की ओर जो चंबल और वेतवा नदी के प्रवाह से समझ में आ जाता है तो इस तरीके से हमने मालवा के पठार की स्थिति देखी है क्षेत्रफल देखा चट्टाने चोटियाँ और औसत ऊँचाई ये मंडाल देख लिया है अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसी में फिर हम देख लेते हैं मालवा के पठार में कौन सा पॉइंट था बेटा पॉइंट था छठवा छठवा पॉइंट कहता है छठवा पॉइंट कहता है कि मालवा के पठार में अगर हम टेम्परेचर और वर्षा की बात करें तापमान और वर्षा की क्या स्थिति है तापमान और वर्षा तापमान और वर्षा यहाँ पर हमें देखना है मालवा के पठार में कौन कैसा तापमान है और किस प्रकार की वर्षा होती है तो मालवा के पठार में अगर हम देखेंगे तापमान की बात करते हैं तो मालवा के पठार का तापमान कितना है मालवा के पठार में अगर देखें तो मालवा के पठार का तापमान अगर हम उच्च ताप की बात करें कि हाईएस्ट तापमान उच्च ताप के कब प्राप्त होता है तो उच्च तापमान हमें प्राप्त होता है यहाँ का 40 42 से 42.5 डिग्री सेल्सियस प्राप्त होता है 40 से बयालीस दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियस और जो निम्न तापमान प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है बेटा साढ़े बारह यानी दस से साढ़े बारह डिग्री सेल्सियस के आसपास और इस तरीके से हम देख सकते हैं कि मालवा के पठार में जो मई का महीना है मई का महीना मई का महीना सर्वाधिक कैसा होता है गर्म होता है और जनवरी का जो महीना है जनवरी का महीना ये सर्वाधिक कैसा होता है ठंडा होता है ठीक है यानी न्यूनतम तापमान हमें कम मिलेगा जनवरी में मिलेगा और मैक्सिमम टेम्परेचर कम मिलेगा मई में मिलेगा तो इस तरीके से जनवरी और मई का तापमान न्यूनतम और उच्चतम होता है यानी सबसे ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस हमें जनवरी और मई के आसपास ही दिखाई देगा इसको वार्षिक तापांतर कह सकते हैं ठीक है इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखेंगे वर्षा की बात कर लेते हैं तापमान देख लिया है इसी में दूसरा है बेटा वर्षा वर्षा की जब हम बात करते हैं तो मालवा के पठार को अगर आप देखोगे इस डायग्राम से देखोगे तो समझ में आएगा देखिए मालवा के पठार में वर्षा का थोड़ा क्रम अलग अलग है क्या है क्रम अगर मालवा के पठार का ये वाला भाग देखोगे आप तो यहाँ पर वर्षा ज्यादा होती है कितनी होती है तो दक्षिण पूर्वी भागों में लगभग 125 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है फिर मध्य वाले भागों में यहाँ देखोगे तो लगभग 100 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा फिर पूर्वी भागों से पश्चिम की ओर जाओगे तो यहाँ 75 डिग्री वर्षा और फिर थोड़ा सा उत्तर पूर्व की ओर जाओगे यहाँ सॉरी उत्तर पश्चिम की ओर जाओगे तो लगभग 50 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा पाई जाती है यानी पूरा का पूरा क्षेत्र जो है अलग अलग प्रकार की वर्षा से आच्छादित होता है यहाँ एक है बीच में हंड्रेड है फिर सेवेंटी है यहाँ पचहत्तर तक तक हो जाती है तो इस तरीके से अगर एवरेज की बात करें मालवा के पठार में तो 75 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा है लेकिन ऐसे एवरेज वर्षा में हम पूरे मालवा के पठार को नहीं देख सकते हम देखेंगे कि मालवा के पठार के दक्षिण पूर्व के आसपास 125 सेंटीमीटर मध्य भाग में 100 है और बाकी पश्चिम में सेवेंटी फाइव या इससे कम वर्षा होती है ठीक है तो इस तरीके से हमें इसको लिखना है ताकि हम लगे कि मालवा के पठार को इलेबरेट कर रहे हैं तो मालवा के पठार के दक्षिण पूर्वी भाग में 125 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है अगर हम मध्य भाग में बात करें मध्य भाग में लगभग 100 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है और पश्चिमी भाग में बात करें तो 75 सेंटीमीटर या इससे कम वर्षा होती है ठीक है 75 सेंटीमीटर या इससे कम वर्षा हमें देखने को मिलती है मालवा के पठार में तो कुल मिलाकर मालवा के पठार में वर्षा का जो क्रम है वो थोड़ा सा अलग अलग है भिन्न भिन्न है यानी पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर मालवा के पठार में वर्षा कैसी होती जाती है कम होती जाती है ठीक है फिर इसके बाद हम देख रहे हैं बेटा सातवा पॉइंट देख लेते हैं सातवा पॉइंट में देखेंगे कि मालवा के पठार के अंतर्गत जलवायु की बात कर लेंगे हम मालवा के पठार की जलवायु कैसी है तो ये तो भैया बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है मालवा की जलवायु को समझना क्योंकि एक यात्री थे जिनका नाम था फाहे क्या नाम था ना। फाहे क्या कहा था इन्होंने मालवा की जलवायु के बारे में इन्होंने कहा था कि मालवा की जलवायु इतनी अच्छी है कि यह विश्व की सर्वश्रेष्ठतम जलवायु में से एक है अर्थात मालवा की जलवायु को इन्होंने विश्व की सर्वश्रेष्ठतम जलवायु कह दिया अब ऐसा क्यों कहा होगा तो इसके पीछे रीजन है क्योंकि अगर हम मध्य प्रदेश की जलवायु की बात करें मध्य प्रदेश की जलवायु की बात करें तो मध्य प्रदेश की जलवायु जो है वह कौन सी जलवायु है तो ये जलवायु है उष्ण कटिबंधीय, क्योंकि हम उष्ण कटिबंध में रहते हैं उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है उष्ण कटिबंधीये मानसूनी जलवायु है मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय मानसूनी है और साथ ही साथ उष्णकटिबंधीय मानसूनी के साथ साथ ये थोड़ी सी थोड़ी शुष्क महाद्वीपीय भी है कैसी है उष्णकटिबंधीय मानसूनी के साथ साथ थोड़ी शुष्क महाद्वीपीय अब ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं क्योंकि आगे चलकर हम देखेंगे कि मध्य भारत के पठार में शुष्क महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है जिसके कारण से वहाँ पर अत्यधिक न्यूनतम तापमान देखने को मिलता है और अत्यधिक मैक्सिमम तापमान भी देखने को मिलता है अर्थात मध्य प्रदेश की जो जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी के साथ साथ थोड़ी शुष्क महाद्वीपीय है अर्थात यहाँ पर मानसूनी वर्षा तो होती ही है इसके अलावा कहीं कहीं टेम्परेचर बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा कम प्राप्त होता है तो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर दिखाई देता है लेकिन हम बात कर रहे हैं मालवा के पठार की तो भैया मालवा के पठार की जलवायु ऐसे कैसी है कि फाययान ने बड़ी तारीफ कर दी तो मालवा के पठार की अगर हम क्लाइमेट की बात करेंगे जलवायु की बात करेंगे तो उसकी जलवायु को कहते हैं हम समशीतोष्ण क्या कहते हैं बेटा समशीतोष्ण कहते हैं तो मालवा के पठार की जो जलवायु वो समशीतोष्ण है अब इसका मतलब क्या होता है समशीतोष्ण का मतलब होता है ना अत्यधिक ना ज़्यादा भी कह सकते हैं ना ज़्यादा गर्म और ना ही ज़्यादा कैसा ठंडा यानी ना ज़्यादा गर्म है और ना ज़्यादा ठंडी है यानी यहाँ पर ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और ना बहुत ज़्यादा शीत ऋतु का प्रकोप होता है इसका मतलब है यहाँ की जलवायु बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं है कि एवरेज स्तर पर बनी रहती है इसीलिए लिए साहब ने इसको विश्व की सर्वश्रेष्ठतम जलवायु में से एक कह दिया है यहाँ पर ठीक है तो मध्य प्रदेश की बेटा याद रखना है मैंने मध्य प्रदेश की क्यों बताया है क्योंकि मध्य प्रदेश की जलवायु हमें पता है कि उष्ण कटिबंधी मानसूनी लेकिन कुछ कुछ बच्चे समशीत लगा देते हैं ये गलत है मालवा की जलवायु है समस्त मध्य प्रदेश की नहीं है समस्त मध्य प्रदेश की जलवायु मानसूनी है इतना भी आ सकता है या शुष्क महाद्वीपीय भी साथ साथ वो दे सकते हैं ठीक है शुष्क महाद्वीपीय जलवायु मुख्य तौर पर बुदेलखंड के पठार मध्य भारत के पठार में देखने को मिलती है इसलिए हम उसको थोड़ी शुष्क महादीपी कहते हैं एक जलवायु वेदता थे कोपेन नाम था इनका कोपेन ने मध्य प्रदेश की जलवायु का वर्गीकरण किया है और उन्होंने बताया है कि कैसे मध्य प्रदेश की जलवायु में कुछ जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकृति की है और दूसरी कुछ जलवायु कैसी है शुष्क महाद्वीपीय प्रकृति की है इसलिए ये वर्गीकरण जो दिया है वो कोपेन के अकॉर्डिंग है और ये मैं अपना वर्गीकरण नहीं दे रहा हूँ एक के महान वैज्ञानिक है महान जलवायु वेदता है जिन्होंने पूरे भारत की जलवायु को लगभग नौ प्रदेशों में बांटा है जिसमें से दो क्षेत्र कहाँ आते हैं मध्य प्रदेश में भी आते हैं तो इसलिए उष्ण कटिबंधीय मानसूनी के साथ साथ कैसी बेटा शुष्क महाद्वीपीय है ये याद रखना ठीक है सारी बुक्स कुछ ना कुछ गलत देती हैं यहाँ पर आप उनको थोड़ा सा सही करना है ठीक है अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट इसी का कौन सा पॉइंट हो जाएगा नौवा पॉइंट सारे पॉइंट यहाँ मिल जाएंगे एक एक करके मैं समझा रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं होने वाली है सातवें के बाद आठवां पॉइंट आएगा माफ कीजिएगा आठवां पॉइंट देख लेते हैं आठवा पॉइंट कहता है मालवा की जलवायु के बाद हम देखेंगे यहाँ की मिट्टी की भी बात कर लेंगे मृदा की बात करेंगे भैया मालवा के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है तो मालवा के पठार में काली मृदा पाई जाती है क्या पाई जाती है काली मृदा और ये काली मृदा कहाँ से आई है काली मृदा का निर्माण होता है बेसाल्ट चट्टानों के अपर्दन से बेसाल्ट के अपर्दन से बनी है भैया बेसाल्ट के अपर्दन से बनती है क्योंकि यहाँ पर बेसाल्ट चट्टाने पाई जाती हैं और बेसाल्ट के अपर्दन से बनी है इसका एक और अन्य नाम है इसको रेगुर भी कहते हैं क्या कहते हैं बेटा रेगुर भी कहते हैं तो इसको रेगुर रेगुर मृदा भी इसको कह देते हैं ठीक है तो यह काली मृदा से मिलकर बनी है सॉरी काली मृदा प्रधान है यहाँ का पठार और ये विशाल चट्टानों के अपरदल से बनी इसको रेगुर भी कहते हैं और इसको एक और नाम से जाना जाता है इसको कपासी मिट्टी भी कहते हैं क्योंकि कपास की खेती के लिए बड़ी उपयुक्त मिट्टी है इसलिए कपासी मिट्टी भी कह देते हैं कपासी मृदा भी कहलाती है ये ठीक है <kuh> तो ये मृदा हो जाती है अब मालवा के पठार से संबंधित अगर हम और बात देखें तो मालवा के पठार में कौन सी कृषि की जाती है किस चीज़ की कृषि की जाती है तो मालवा के पठार की चूंकि मृदा में ही कृषि की जाती है तो मालवा का पठार अत्यधिक उपजाऊ पठार है कैसा है बेटा उपजाऊ पठार है और यहाँ पर हम इसको कहते हैं गेहूं की डलिया क्या कहते हैं गेहूं की डलिया मालवा का पठार उपजाऊ पठार है और इसको गेहूं की डलिया कहा जाता है गेहूं की डलिया कहा जाता है क्यों क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक क्या होता है गेहूं होता है गेहूं का उत्पादन होता है गेहूं के अलावा यहाँ पर हम देखते हैं सोयाबीन सोयाबीन भी होती है यहाँ पर फिर यहाँ पर कपास भी होता है फिर यहाँ पर अगर हम देखेंगे ज्वार भी होता है यहाँ पर ज्वार भी मिल जाता है फिर कुछ प्रकार के हमें दलहन से संबंधित चीज़ें भी मिलती हैं और तिलहन भी मिल जाती है कुछ मात्रा में कह सकते हैं ठीक है गेहूँ सोयाबीन कपास ज्वार ज़्यादा मात्रा में मिलती है इसके अलावा चना भी यहाँ पर मिल जाता है विदिशा और रायसेन एवं अगर देखें हम अन्य क्षेत्रों में सागर वगैरह में चना भी यहाँ पर मिल जाता है तो ये कुछ फसलें हैं जो मुख्य तौर पर पाई जाती है बाकी सभी प्रकार के यहाँ पर हमें क्या मिल जाते हैं <coughs> बाकी सभी प्रकार की फसलें यहाँ पर मिल जाती हैं फिर अगर हम देखें दसवा पॉइंट ठीक है तो दसवा पॉइंट में देख लेते हैं हम बेटा खनिज देख लेते हैं क्या देख लेते हैं खनिज देखिए सारे पॉइंट में यहाँ पर बताता जा रहा हूँ कि करके सब आप देखते जाएंगे खनिज की दृष्टि से मालवा का पठार बेटा थोड़ा सा अनलकी है यानी मालवा के पठार में खनिज बहुत कम पाए जाते हैं यानी बहुत ज़्यादा कम पाए जाते हैं यानी खनिज यहाँ पर उतने ज़्यादा नहीं होते हैं मालवा के पठार में खनिजों की क्या है बहुत ज़्यादा कमी है तो खनिजों की इतनी ज़्यादा यहाँ पर उपलब्धता नहीं है तो हम कह सकते हैं खनिजों की इस पठार में कमी है फिर भी कुछ मात्रा में अगर देखें तो चूना पत्थर चूना पत्थर पाया जाता है ठीक है कुछ मात्रा में कह सकते हैं इसके अलावा अगर हम देखें तो क्वाडज़ाइड पाया जाता है ठीक है तो ये पाए जाते हैं बाकी का ऐसा कुछ हमें देखने को मिलता नहीं है ठीक है <coughs> फिर अंत में अगर देखें एक और पॉइंट ले लेते हैं इसमें खनिज हो गया कृषि हो गई मृदा हो गई वनस्पतियाँ और देख लेते हैं तो अपना काम बन जाएगा ये इलेवन पॉइंट में ही हम सबको ऐसे डिवाइड कर लेंगे वनस्पतियों की बात करें तो मालवा के पठार में अगर देखें तो खंडवा जो वन व्रत है कौन सा बेटा खंडवा तो खंडवा वन व्रत मालवा के पठार में स्थित है जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ब्रत वन व्रत है खंडवा वन व्रत जो है वो मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन व्रत है सबसे बड़ा क्या है बेटा ये वनव्रत है मध्य प्रदेश का खंडवा वन व्रत ठीक है यहाँ पर अगर वनस्पतियों में देखें तो वनस्पतियों में यहाँ पर सागौन सागौन पाया जाता है यहाँ पर इसके अलावा अगर हम देखें तो और भी वनस्पति हैं जैसे कि अगर बात करें आ, हर्रा हर्रा के बाद अगर बात करें केंदू ठीक है पत्ता थोड़ी बहुत मात्रा में महुआ ये पाए जाते हैं ठीक है उसके अलावा अगर बात करें कटीले वन कटीले वन कटीले वन में बबूल बांस बबूल आ जाता है झाड़ियाँ आ जाती बेर आ जाते हैं बहुत सारी चीजें आ जाती हैं तो इस तरीके से हम देखते हैं कि मालवा के पठार के ये जो हमने इतने पॉइंट पढ़ लिए हैं कि करके आप एक देख लो सारे के सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाने चाहिए मैंने कोशिश की है इसमें से मुख्य मुख्य बिंदु को निकाल लें और जब मुख्य बिंदु को निकाल लेते हैं तो पूरा पठार हमें आसानी से समझ में आने लगता है अब सारे पठार को मैं इन्हीं प्रकार के जितने भी हमारे पॉइंट्स हैं ना ऐसे ही करके आपको क्या करता जाऊँगा समझाता जाऊँगा तो ये पठार आपको बिल्कुल बहुत ईजी लगने लगेंगे जब आप बुक्स में पढ़ते हो पठार तो एक साथ लिखा हुआ है अब एक साथ पढ़ते हो तो हम उसको क्या नहीं कर पाते हैं अलग अलग सेपरेट नहीं कर पाते हैं लेकिन अगर हमें पता है कि वही स्थिति के बाद क्षेत्रफल चट्टान चोटियाँ ऊंचाई वर्षा तापमान जलवायु ये सब पढ़ना है तो हम एक एक करके पठार को आसानी से समझते चले जाते हैं तो ऐसे पढ़ने से हमें एक तो स्टेप बाय स्टेप याद हो जाता है और दूसरा ये पठार हमें उतना टफ नहीं लगता है थोड़ी सी चीज़ें कुछ हम मन से भी लगा लेते हैं ठीक है तो सबसे पहले हमें स्थिति लिख देना है फिर उसका क्षेत्रफल भैया ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है इसके बाद चट्टानों की बात कर लेते हैं दक्कन ट्रैप है चोटियों की बात कर ली हमने मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जो है अगर बात करें मालवा के पठार की वो सिगार है फिर औसत ऊंचाई और ढाल देख लिया हमने इसके बाद हमने इसमें एक और चीज़ बात नहीं करी है बारह पॉइंट आते हैं वही मैं कह रहा हूँ एक और पॉइंट अपन इसमें नहीं लिखा है हमने इस इस पठार में एक और पॉइंट है बार बार नदियाँ कौन सी प्रवाहित होती हैं ये भी हमारा फिजिकल डिवीजन है बेटा नदियाँ और नदियाँ कौन कौन सी प्रवाहित होती हैं तो नदियों में मालवा के की सबसे बड़ी नदी कौन सी है चंबल है कौन सी है चंबल चंबल की सहायक नदियों में कौन कौन सी आती है काली सिंध काली सिंध आती है काली सिंध के बाद पार्वती पार्वती के बाद वेतवा वेतवा के बाद कौन सी आ जाएगी शिवना मंदसौर जो है वो शिवना नदी के तट पर स्थित है तो शिवना है वेतवा है पार्वती है काली सिंध है ठीक है इसके बाद है चंबल ये जो नदियाँ हैं इसके अलावा सिंध नदी भी है जो कि कहाँ से निकलती है गुना से निकलती है सिरोंज से तो सिंध भी इसकी एक सहायक नदी है तो इस तरीके से ये सारे के सारे अगर बात करें नदियां जो हैं वो मालवा के पठार के में प्रवाहित होती हैं तो कुल मिला के बारह पॉइंट है कितने सारे पॉइंट हो गए हैं बारह अब ये सारे पॉइंट अगर आप एक, एक करके पढ़ लेंगे तो मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत इसमें जाने वाली है इस तरीके से पढ़ना सीखो इस तरीके से पढ़ेंगे ना तो हमें मध्य प्रदेश बहुत ईजी लगने लगेगा ठीक है तो यहाँ पर हमने एक पठार पढ़ लिया है अब हमारे पास दूसरा कौन सा पठार था तो दूसरा पठार जो यहाँ पर या दूसरा फिजिकल भाग जो यहाँ पर सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है वो आता है बेटा नर्मदा सोन की घाटी कौन सा आता है नर्मदा सोन घाटी हम डिसेंडिंग ऑर्डर में पढ़ रहे हैं जिसमें सबसे बड़ा पठार पढ़ेंगे फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा देन सबसे छोटा तो हमें याद करने में आसानी हो जाएगी कि भैया मालवा का पठार सबसे बड़ा है और फलाना पठार सबसे छोटा है तो इस तरीके से हम आसानी से पढ़ सकते हैं तो नेक्स्ट जो हमारा है हम इसमें देख रहे हैं दूसरा भाग इसको ब्लैक से पढ़ेंगे हम थोड़ा अच्छा लगेगा हमें ब्लैक से दूसरा पठार हो जाएगा चलिए दूसरा देख लेते हैं नर्मदा सोन घाटी नर्मदा सोन घाटी की बात कर लेते हैं नर्मदा सोन घाटी की बात करें तो देखिए वही पॉइंट देखने हैं अगर हम थोड़ा सा मैं एक्सप्लेनेशन करूं तो नर्मदा सोन घाटी मध्य प्रदेश के बिल्कुल मध्य से गुजरती है वो लगभग लगभग लग 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 अगर हम कहें हम कुछ भाग इसका नॉर्थ से साउथ की ओर जाता है लेकिन ये मध्य भाग में अपना एक बेसन या नदी का क्षेत्र बनाती है नर्मदा नदी और सोन नदी की घाटियाँ मुख्य तौर पर मध्य प्रदेश के मध्य भागों में काली मिट्टी से आच्छादित भूमि का निर्माण करती है जो बड़ी ही कैसी है उपजाऊ है ठीक है अगर इसको देखेंगे तो नर्मदा सोन की घाटी विंध्यांचल पर्वत के दक्षिण में बहती है विंध्यांचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच में ही हमें नर्मदा और सोन की घाटी नज़र आती है यह एक भिन्स भ्रंश घाटी है और मुख्य तौर पर यहाँ पर इसका निर्माण भ्रंश कगार से मिलकर हुआ है इसके ऊपरी भागों में अगर हम देखेंगे तो विंध्यन कगार है जो कैमूर और भांडेर के रूप में हमें दिखाई देती है ठीक है तो बिन्द की कगार के तरगत घाटी क्षेत्रों में भ्रंश घाटी क्षेत्रों में नर्मदा सोन की घाटी स्थित है मध्य प्रदेश में अगर देखेंगे तो मध्य प्रदेश में नर्मदा सोन की घाटी की स्थिति अगर देखोगे तो वही पहला पॉइंट कौन सा है बेटा स्थिति का है पहला पॉइंट स्थिति का है तो मध्य प्रदेश में नर्मदा और सोन की घाटी की स्थिति क्या है तो अगर आप देखोगे कि इसके उत्तर में इसके उत्तर में हमें इसके उत्तर में विंध्यांचल पर्वत है विंध्यांचल एवं मालवा का पठार है ठीक है दक्षिण में क्या है इसके दक्षिण में सतपुड़ा में सतपुड़ा पर्वत स्थित है या सतपुड़ा एक भ्रंश पर्वत है सतपुड़ा पर्वतीय भाग है ठीक है इसके बाद अगर हम देखेंगे इसके दक्षिण पूर्व में तो दक्षिण पूर्व में बघेलखंड का पठार स्थित है बघेलखंड का पठार स्थित है ठीक है और इसके अगर हम पश्चिम में बात करें कि पश्चिमी भाग में क्या है तो पश्चिम में अगर आप देखोगे तो नर्मदा के पठार के पश्चिम में गिर की पहाड़ियां स्थित हैं जो कि गिर की पहाड़ियां गिर की पहाड़ियां स्थित हैं और गिर की पहाड़ियां आती हैं गुजरात में ठीक है तो ये गुजरात में स्थित पहाड़ियां हैं जिस तो तरीके से ये लोकेशन हो जाती है अगर हम डायग्राम से इसको समझना चाहें तो स्पष्ट समझ सकते हैं नर्मदा सोन घाटी के उत्तर में मालवा का पठार रीवा पन्ना का पठार है दक्षिण में सतपुड़ा में श्रेणी है पूर्व में गिर की पहाड़ियाँ यहाँ पर गिर की पहाड़ियाँ स्थित हैं और अगर बात करें दक्षिण पूर्व में क्या है बघेलखंड का पठार स्थित है तो इसको हम आसानी से समझ सकते हैं ठीक है इसके बाद अगर दूसरा पॉइंट देखें तो दूसरा पॉइंट क्या था क्षेत्रफल तो मध्य प्रदेश में दूसरा सबसे बड़ा भौतिक भाग यदि है तो वो है नर्मदा सोन घाटी इसका क्षेत्रफल कितना है आठ हजार सौ सॉरी आठ हजार छः सौ नहीं छियासी हजार वर्ग किलोमीटर है माफ कीजिएगा कितना है छियासी हजार वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल जो समस्त मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का समस्त मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल के का कितने प्रतिशत है बेटा 26 प्रतिशत है कितने प्रतिशत है 26 प्रतिशत के आसपास है इसके बाद तीसरा पॉइंट हमने देखा था क्या नर्मदा सोन घाटी चूँकि ये क्या है नर्मदा सोन घाटी एक घाटी है वैली है यानी यहाँ पर अगर हम इसकी रॉक्स देखें चट्टान देखें या इसका निर्माण देखें तो नर्मदा सोन घाटी का निर्माण जो हुआ है वो भ्रंश घाटी के रूप में हुआ है Osionfish. ये एक प्रकार की भ्रंश घाटी है तो इसमें अपन एक काम करते हैं इस पॉइंट को चेंज करके लिख देते हैं इसका निर्माण निर्माण लिख रहे हैं तो यह किससे बनी हुई है भ्रंशन की प्रक्रिया से बनी हुई है फॉल्टिंग की प्रक्रिया हुई है भ्रंशन की प्रक्रिया से मिलकर बनी है भ्रंशन की प्रक्रिया हुई है फॉल्टिंग हुआ है और फॉल्टिंग से ये एक प्रकार की भ्रंश घाटी बन गई है भ्रंश घाटी बन गई है नर्मदा की घाटी जो कि अगर देखें हम बिंद के कगारी क्षेत्र के दक्षिण में स्थित है बिंद के कगारी क्षेत्र बिंद के कगारी क्षेत्र के दक्षिण में स्थित है तो बिंद का कगारी क्षेत्र जिसको रीवा पन्ना का पठार भी कहते हैं हम उसी के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित भ्रंश घाटी है जिसमें नर्मदा प्रवाहित होती है ठीक है इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें ज़्यादातर जो रॉक्स मिलती हैं तो चट्टाने अगर देखें इसमें निर्माण में ही चट्टाने देखें तो चट्टानों के अंतर्गत अगर देखेंगे हम तो आर्कियन आर्कियन क्रम की चट्टाने मिलेंगी यहाँ पर आर्कियन क्रम की चट्टाने मिल जाती हैं और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ मात्रा में गोंडवान सॉरी गोंडवाना तो सोन सौ, सौ, सोन नदी में तो गोंडवाना गोंडवाना भी मिलती है बिल्कुल सही है ये कहाँ मिलती है सोन की घाटी मिलती है यहीं पर कोयला मिलता है सोन घाटी तो गोंडवाना क्रम की चट्टाने आर्कियन क्रम की चट्टाने मिलती हैं ठीक है थीके? ये हो जाती है और ऊपरी विंध्यन क्रम भी मिलता है ऊपरी भागों में अगर देखें तो विंध्यन क्रम भी यहाँ पर पाई जाती हैं तो विंध्यन क्रम की चट्टाने भी मिलती हैं तो तीन प्रकार की चट्टान आर्कियन क्रम है, है गोंडवाना और बिंद्यन क्रम की चट्टान है पाँच मिनट और ठीक है <coughs> ओके फिर इसके बाद अगर देखें हम फोर्थ पॉइंट और देख लेते हैं समय हमारा हो रहा है तो हम फोर्थ पॉइंट और देख लेते हैं इसमें इसके अलावा अगर देखें तो ये जो घाटी है इस घाटी को हम मध्य प्रदेश का सबसे निचला भाग कहते हैं मध्य प्रदेश का सबसे अगर बात करें निचला भाग कौन सा है जो समुद्र तल से सबसे अधिक नीचाई पर स्थित है सबसे अधिक गहराई में स्थित है तो यह सबसे क्या है मध्य प्रदेश का सबसे गहरा मध्य प्रदेश लिखना यहाँ पर मध्य प्रदेश कर लीजिए मध्य प्रदेश का सबसे निचला भाग है घाटी क्षेत्र सबसे निचला भाग है ठीक है और इसकी अगर गहराई देखोगे तो लगभग लगभग 300 मीटर की इसकी गहराई देखने को मिलती है इसकी जो डेप्थ है गहराई है वो 300 मीटर के आसपास है ठीक है तो 300 मीटर के आसपास की इसमें डेप्थ देखने को मिलती है ये मध्य प्रदेश का सबसे अधिक गहरा भूभाग है और इसका अगर ढाल देखोगे आप तो इसका ढाल कहाँ से कहाँ तक है तो इसका ढाल जो है पूर्व से लेकर पूर्व से पश्चिम की ओर है पूर्व से पश्चिम की ओर है पूर्व से पश्चिम की ओर ढाल है जो कि नर्मदा से समझ में आता है ठीक है इसका एक ढाल पूर्व से पश्चिम की ओर है और दूसरा जो ढाल है वो दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है उत्तर पूर्व की ओर है जो कि हमें सोन से समझ में आता है सोन नदी से समझ में आता है तो पूर्व से पश्चिम नर्मदा का ढाल है और दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर सोन का ढाल नजर आता है तो इस तरीके से बेटा ये सारी चीज़ें अपन एक एक करके पढ़ते जा रहे हैं देखिए मेरे पढ़ाने का सीधा सा मोटो ये है कि इस पूरे के पूरे सेगमेंट में आपको वो चीज़ें मिल सकें जो काम की हैं वैसे तो बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं लेकिन ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल यथावत हैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट हैं उनको अगर याद करेंगे हम उनको अगर पढ़ेंगे हम तो आसानी से याद हो जाएगा इसमें समझाने वाला फैक्टर क्या है समझाने वाला फैक्टर है कि भैया किस तरीके से कुछ किस पठार में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं तो आपको इसको समझ के लिखते भी जाना है क्योंकि आपको एक बार समझ में आ जाएगा फिर याद करना भी तो है आपको ठीक है तो पॉइंट वाइज याद करते जाइए समझते जाइए बहुत अच्छे से आसानी हो जाएगी तो आज की क्लास में इतना ही ठीक है कल की क्लास में जब हम मिलेंगे तो इसी के आगे और अन्य जो फिजिकल इसके पार्ट्स हैं भौतिक इसके प्रदेश हैं उनकी बात हम कर रहे होंगे तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका बेटा थैंक यू स्वस्थ रहे मस्त